अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया जाता है कि छात्रों को एक दिन में दो दो पेपर लिए जाते हैं, जिसके चलते छात्र फेल हो रहे हैं और उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। इसके पहले भी छात्रों ने चेतावनी देकर रिजल्ट सुधारने और परीक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से लेने की मांग की थी। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्राओं की मांगों की अनदेखी की गई, जिसके चलते एक बार छात्र फिर उग्र हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने बताया कि कम से कम 100 से 200 छात्र फेल हुए हैं, जिसके संशोधन के लिए छात्राओं के द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि एक सप्ताह के अंदर संशोधन की बात कही गई थी। माना जा रहा है कि कॉलेज प्राचार्य के द्वारा छात्रों की मांगों को नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते अब हम मजबूर हैं। आइए आपको दिखाते हैं उग्र छात्रों की मांग और सुनाते हैं उनका क्या कहना है। मैम क्यों नहीं सुन जा रही हूँ, एक एक घंटे में तीन तीन पेपर लेके मैम सुनिए दो हफ्ते हो चुके हैं। उसको करने समझदार हो, एडमिशन की बात हम भी अभी प्रिंसिपल लोग हैं, गांव से आते हैं, पैसा दिए हैं। नहीं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, अगर ऐसे नहीं, किसकी संपत्ति है? तुम्हारी संपत्ति? जी सर हमारी संपत्ति है, लेकिन हमारी कोई बात सर सुनी नहीं जा रही है। सर हमारी बात कोई सुनी नहीं जा रही है। मैडम आ जाती है, बात करता हूँ, मैं भी बात करता हूँ। ये बात मैं कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी लाऊंगा, ठीक है, कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में लाऊंगा। जी सर हमारा धरना शांतिपूर्ण है, कोई इसमें उद्दंडता नहीं है, शांतिपूर्ण हमें आगे बैठे, कोई उद्दंडता नहीं होगी। आराम से बैठ जी, इधर जो बच्चे रोजगार मिलने वाले हैं उनके जाने। सर तीन सौ पेपर मन हो रही है, जिसमें एक एक घंटे में दो दो तीन पेपर लिए गए। उसके बाद ये लोग था, लेकिन दो से तीन हफ्ते हो गए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए सर सर एक घंटे में दो पेपर लगे हैं, जिस क्लास कभी लगी नहीं उसमें। भैया पढ़ाई से हो जाए, दो से तीन सौ लड़कों को फेल किया गया, जो लेकिन हमने ज्ञापन दिया प्राचार्य महोदय को, दो हफ्ते एक हफ्ते का समय मांगा था कि नहीं करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक हफ्ते के तीन हफ्ते को हमने टाइम दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, इसलिए शांतिपूर्ण प्रोजेक्ट भी जमा किया है। पेपर दिए फिर भी अटेंड कर दिया गया, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। जब उनको बताया तो उन लोग कहते हैं कि हम अभी नए आए हैं, ये हुआ वो हुआ है। आपके यहाँ बैठने का कोई आपने बताया था उनको कि हम आज आंदोलन करेंगे? एक हफ्ते का टाइम उनको बताओ, ये बेटा करियर का सवाल है, गड़बड़ हो जाएगा, उनको बताओ अनुशासन नहीं करें। नहीं नहीं ये अनुशासन नहीं है, ये अनुशासन नहीं है जो लड़के कर रहे हैं। ये अनुशासन नहीं है, ठीक है ना? आप लोग हमारे साथ जो भी चलना हो चलो, प्राचार्य आ गए हैं तो बात करते हैं। नहीं आई अभी कोई, ये
जरूरी नहीं है कि अभी आप बैठे, थोड़ी देर से आप बैठ सकते हो, 12 बजे से बैठ सकते हो, 10 बजे अभी एक आदमी बोले तो हम सुनने में, हाँ चले जाने दो, हम जाएंगे, हम जाएंगे ना, सुनवाई हमारी हो नहीं रही। अरे हम जाएंगे भाई, हम साथ में लेके चलेंगे आप लोग, क्या दिक्कत है सर, वो आने वाले जब तक पिछले गतिवर्ष 3 सप्ताह पहले हम लोगों का बिकाम सीए वालों का रिजल्ट आया है, जिसमें 100 से 200 लड़कों को फेल किया गया है। एक एक घंटे में 2-2 पेपर लिए गए हैं, 20-20 मिनट में एक एक पेपर लिए गए हैं, जिसके संशोधन के लिए 1-2 हफ्ते पहले हमने श्री प्राचार्य जी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसमें 2 हफ्ते हो गए कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसमें हमने ये बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। छात्रों की बातों को अनदेखा उन्होंने किया, 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह हो गई। हमने उन्हें ये भी चेतावनी भी दी थी कि अगर 1 सप्ताह में मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो उनका उग्र आंदोलन हम छात्र विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। एक एक घंटे में 2-2, 3-3 पेपर लेना, ये कहाँ की नहीं, कहाँ का नियम है। लैब नहीं खुलता ना, तो यहाँ कोई लैब खुलता है, और योगा जैसी कोई क्लास बिकाम सीए में लगी नहीं, जबकि योगा जैसे सब्जेक्ट ने सबको फेल किया गया। जब छात्रों ने पहले आवाज़ उठाई कि 1 घंटे में 2 पेपर लेने, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि हम पास करेंगे, ये है वो है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 10-20 लड़के फेल होते, लेकिन 100 से 200 लड़के फेल हुए हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने पिछले गतिवर्ष बोला संशोधन करिए, लेकिन यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 सप्ताह की जाए, 2 सप्ताह हो गए, 3 सप्ताह हो गए, छात्रों की बातों को अनदेखा किया जा रहा है, मतलब कॉलेज प्रशासन अपने मन से चल रहा, विद्यार्थियों की यहाँ कोई सुनी ही नहीं जा रही है। जो प्रेजेंट है उनको अब्सेंट कर दिया गया, जो अब्सेंट है उनको प्रेजेंट कर दिया गया, सब में सुने सुने नंबर रख दिए गए हैं, क्या विद्यार्थी 1-2 नंबर भी नहीं पाए थे 100 नंबर के पेपर में, सबको सुनी सुनी कर दिए हैं। जो प्रोजेक्ट में प्रेजेंट भी थे उनको भी अब्सेंट कर दिए हैं, उनके लिए भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जबरदस्त तरीके से फीस ले रहे हैं कि 1200 रुपये फीस भरो, 1000 फीस भरो, तब दोबारा ATKT का पेपर होगा। एक बार हम लोगों ने पहले फीस भर चुकी पेपर दिया है, तो उसका दोबारा फीस क्यों भरें। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे जल में संशोधन हो, क्योंकि 100-200 लड़के फेल हैं, 1-2 लड़के फेल नहीं है, हमारे जल में संशोधन हो, सुधार किया जाए। एक घंटे में 1 पेपर होता है, 1 घंटे में 2-2, 3-3 पेपर लिए हैं, और उसमें सुनी सुनी नंबर दिए हैं, उनको सुधार आ जाए, उनमें संशोधन किया जाए। हमारी ये छात्रों की मांग है, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं श्रीमान प्राचार्य जी के पास होगी। क्या नाम है आपका? धीरज पांडे, DK धीरज पांडे।